थोड़ा सोचिएगा कि दक्ष प्रजापति की पुत्री है सती मैया। दक्ष प्रजापति की बेटी है माता सती और दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती है। जब दक्ष प्रजापति की बेटी होकर इतने विद्वान की बेटी होने के बाद में, इतने सत्ताधारी की पुत्री होने के बाद में, इतने वैभवपति की बेटी होने के बाद में, जरा विचार करिए, उन्हीं के घर में, उन्हीं के यज्ञ में बेटी अपने शरीर को छोड़ रही, उन्हीं के घर के यज्ञ में बेटी अपने शरीर का त्याग कर रही है, बेटी अपने शरीर को छोड़ रही है। कारण केवल एक, जो शिव के सम्मुख में झूठ, शिव के सम्मुख में प्रपंच, शंकर भगवान के सम्मुख में झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी से थोड़ा सा भी संग शंकर भगवान का कर लेता है, थोड़ा भी संग शिव का कर लेता है, उसको एक ना एक दिन पछतावा करना ही पड़ता है। एक बात अपने भीतर उतारिएगा, बहुत ध्यान से अपने अंदर एक बात को उतार कर रखिए। शिव के मंदिर जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ, शंकर के मंदिर में जाकर जल समर्पित करो, बेलपत्र समर्पित करो, मना नहीं है, पर एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि शंकर भगवान को अगर जल समर्पित कर रहे हो, शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान की आराधना कर रहे हो, शिव अर्चना कर रहे हो, तो उसमें ना तो तुम्हारा दिखावा होना चाहिए, ना तो तुम्हारा कोई दिखावा, और ना उसमें कोई तुम्हारा झूठ, ना कोई उसमें प्रपंच हो, और ना उसमें कोई छल। आप जाओ शिव के दरवाजे पर, आप वो अधिक मास में क्या दान करते हैं, अधिक मास में किस चीज का दान किया जाता है, मालपुए का दान करते हैं, अरे बोलो तो जम के, कितने मालपुए करते हैं, 33 मालपुओं का दान होता है, 30 मालपुए तो 30 दिन के हो गए, और 3 जो मालपुए होते हैं उसके ऊपर जो 33वें 3 मालपुए जो होते हैं वो एक मालपुआ तैतीस मालपुए में से 30 मालपुए 30 दिन के, और 31वां नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर हमारी बेटी के घर का कोई अन्न पाया हो, हमने अगर अपनी बेटी के घर का कोई भाग ग्रहण कर लिया हो, हमने अपने अगर बेटी के, बहन बेटी के घर का कोई चीज खा ली हो, तो हमको दोष ना लगे। 32वें नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर किसी संत, गुरु, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, किसी विप्रजन, किसी ब्राह्मण जन के घर का यदि हमने कुछ खा लिया हो तो उसका दोष न लगे, ये 32वें नंबर का मालपुआ होता है। और 33वें नंबर का जो मालपुआ होता है, हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया हो, सूतक सावड़ से मतलब है किसी के यहाँ कोई समाप्त हो गया, कोई शांत हो गया, आपको स्मरण में नहीं है, मालूम नहीं है, और आपने उसके घर का पानी पी लिया, उसके घर का भोजन ग्रहण कर लिया, या उसके घर का कुछ खा लिया, हमने अगर कुछ खाया हो, कोई क्या शांत हो गए, कोई क्या समाप्त हो गए, और उसके घर का यदि हमने कुछ पा लिया, कुछ पानी पी लिया सूतक का, तो उसका दोष न लगे। और यदि सावड़ में,
सावड़ से मतलब है कि घर में बच्चा हुआ, संतान हुई, बेटा बेटी हो गए, बच्चे हो गए और उनके यहाँ सावड़ लगी हुई थी, इतने दिन का उनके यहाँ पर सावड़ था, उसके घर का यदि हमने अन्न खा लिया या पानी पी लिया या हमने कुछ ग्रहण कर लिया तो दोष ना लगे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 33 मालकुओं का वर्णन है, 30 दिन के तो वो और 3 वो। अब एक बात और ध्यान में रखना, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण जब अधिक मास के व्रत का वर्णन करती है तो उसमें 33 मालपुए का ही विधान क्यों लिखा? इसमें रसगुल्ला नहीं लिखा, जलेबी नहीं लिखी, इमरती नहीं लिखी या कोई 33 सामग्री नहीं लिखी, तो 33 मालपुआ ही क्यों लिखा गया? उसका कारण केवल इतना है, मालपुआ जब बनता है तो उसमें बारीक बारीक छेद हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार जितने छिद्र मालपुए के अंदर रहते हैं, अधिक मास में 3 वर्ष में एक बार यह मालपुए का 33 मालपुए का जो दान दिया जाता है, इससे जो जीव हमारे पूर्वज, हमारे जो गए हुए जीव हैं, कई भटक रहे होते हैं, कोई किसी योनि में है, कोई किसी जगह भटक रहा होता है, तो वो उस योनि से हमारे केवल अधिक मास में दान कर देने से वो उस योनि से मुक्त हो जाता है। इसलिए इन मालकुओं का वर्णन है, इसलिए इन मालकुओं का वर्णन किया गया। अब एक बात अपने भीतर उतारिएगा जरा कि अपने जीवन काल में हम करें, दान करने की मना नहीं, भजन करने की मना नहीं, संकीर्तन करने की मना नहीं, भगवत भजन करने की मना नहीं, पर दिखावे से परे होकर, झूठ से परे होकर, असत्यता से परे होकर, एक बेटी आई है जिसने कोई संकल्प था जिसका पूरा हो गया है, तो वो 10 किलोमीटर दूर से दंडवत करती करती यहां पर कथा के पंडाल में आई है। इसका एक संकल्प था जो देवाधिदेव महादेव ने पूरा कर दिया, तो विनती करी थी कि 11 किलोमीटर की दंडवत करते हुए कथा के पंडाल में पहुंचेगी। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बच्ची को। Thank you.